मक्का की खेती देखिए, ये मक्का की खेती मध्य प्रदेश में देखिए कैसे मक्का की खेती लहलहा रही है फसल। और आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से देखिए फेंसिंग की गई है, फेंसिंग चौतरफा फेंसिंग है इसकी, ताकि कोई पशु आवारा पशु ना आवे और खेती की फसल अच्छी से अच्छी हो। आप देखिए, देखो किस तरह से इसकी निराई भी हो गई है। और ये देखिए टेक्निकल खेती है मक्का की खेती जो बोई जाती है, वो देखिए बीच में नालियां हैं ताकि यदि पानी ज़्यादा हो तो वो पानी ये निकल सके, खेत से निकल सके। और देखिए लहलहा रही फसल है, हरी एकदम मक्का दिख रही है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा क्षेत्र जो कार्न सिटी के नाम से जाना जाता है, जितनी मक्का यहाँ होती है उतनी शायद इंडिया में किसी जगह हो, और ये इसीलिए ये कार्न सिटी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मक्का की खेती बखूबी किस तरह से की जाती है। देखिए बीच में नाली है और ये नाली होने की वजह से जो भी पानी ज़्यादा होता है वो ये नाली की वजह से निकल करके अब मक्का को राहत देता है, तो मक्का की फसल अच्छी से अच्छी हो जाती है। आप देखिए कितनी बढ़िया मक्का है, आपको मक्का ये दिखाना चाहता हूँ, मक्का किस तरह से खेती की जाती है। यहाँ हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से सीख सकते हैं, लोगों ने कितनी मेहनत कितनी तन्मयता से ये मक्का की खेती करनी शुरू की है। यहाँ टेक्निकल खेती होती है, देखिए बीच बीच में नालियाँ किस तरह से दिखाई दे रही, और ये ऊंची जगह में बोई जाती है। देखिए मक्का इन्होंने कैसे बोई है, पहले बीच में इन्होंने खाली जगह की है और मेड़ जैसी बनी मोटी सी, और उस मोटी सी मेड़ में इन्होंने मक्का बोई ताकि इसकी जड़ें अच्छी तरह से फैल सकें उस पोली मिट्टी में, उस मुलायम मिट्टी में, और मक्का की खेती उन्नतशील हो सके। देखिए आप देख सकते हैं, और यहाँ देखिए वन संपदा भी बहुत है, आप देख सकते हैं हरा भरा ये। और ये सिंगोड़ी क्षेत्र है, नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है जहाँ से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आपकी किस तरह से मक्का की फसल आपको बिल्कुल नज़र आ रही है, एकदम साफ नज़र आ रही है। यहाँ से देखिए कितने बड़े खेत में मक्का बोई गई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र में हर जगह बारिश के समय मक्का बोई जाती है। और यहाँ की एक और विशेषता आपको बता रहे हैं, जिन लोगों के पास पानी की सुविधा होती है वही रवि की फसल अच्छी तरह से बो पाते हैं, अन्यथा रवि की फसल न बो करके केवल और केवल मक्का की फसल साल भर में ये ले पाते हैं। और ये देखिए मक्का इस समय इस खेत में मक्का की फसल, ये दूसरी फसल है, रवि की फसल थी, इसमें गेहूं बोया गया था और गेहूं काट करके इन्होंने इसमें मक्का की फसल बोई है। आप देख सकते हैं किस तरह से मक्का लहलहा रहा है, मैंने आपको कभी बताया भी था कि किस तरह से मक्का लहलहाती है, अभी ये देखिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, मन प्रसन्न है। और ये जो हाईवे भी आप देख सकते हैं, हाईवे ये जा रहा है नरसिंहपुर की तरफ, और इधर जाएंगे हमारे राइट साइड में जाएंगे तो नरसिंहपुर होते हुए सागर पहुंच जाएंगे, और यदि हमारे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये नागपुर और आगे दूर तक साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। और ये देखिए मैं आपको एक पेड़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पेड़ चंदन का पेड़ है, आप इसे बखूबी देख सकते हैं, देखिए अच्छी तरह से ये चंदन का पेड़ है, इस खेत के मालिक ने इसमें लगाया है, चंदन का पेड़ है ये, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, देखिए आपको शायद चंदन का पेड़ देखने को ना मिले, और खेत के मालिक ने यहाँ ये चंदन का पेड़ लगाया है जो अपनी हरियाली बिखेर रहा है। मैं इसको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, यही चंदन का पेड़ है, इसे चंदन का पेड़ आप देख लीजिए, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, चंदन ये का पेड़ है, चंदन का पेड़ है, आप इसमें आप देख सकते, अभी इसमें
खुशबू नहीं है, लेकिन ये चंदन का पेड़ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। ये वीडियो मैं आपको यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी से लगे हुए खेत का बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ।